कृष्णा जी मेनू देखेगा हमारा बेटा मेरिट लिस्ट में तो आ जाएगा ना अरे काहे नहीं आएगा भाई पैसा वाला है पैसा वाला है दिल्ली से ऑर्डर है कि सेटर्स के माफिया को खत्म करने के लिए टीम से मिलकर ये लोग यहीं के हैं बनारस के दिस ब्लडी माफिया ऑपरेट्स फ्रॉम हियर दोबारा अगर परीक्षा देनी पड़े तो मेरिट लिस्ट ला पाएंगे दोबारा कह देंगे कैंडिडेट का कार्बन कॉपी बन के परीक्षा दीजिएगा आपका साल भर का सैलरी एक साथ डाल देंगे आपका खाता हमें शंका थी तुम जाके मार ये लंका इन सब के नंबर्स ट्रैकिंग पे डाल दो फर्श पर सोने की आदत डाल दीजिए भैया जी काम आएगी भैया जी पेंडेंट में बोलो कान से सुनो अब चश्मे का बाई ओर का बटन दबाइए इसे स्कैनर कहते हैं कितना चाहिए कौन सा चाहिए उतरने से पहले पेपर को जला दीजिए समझे खेल लो जी अच्छे दिन आएंगे हम इंतजार में रहेंगे अच्छे दिन तो तुम्हारे चल रहे हैं जोरों पर चल रहा है रंगे हाथों पकड़ेंगे सबूत के साथ हाथ नीचे दे देख नीचे पुलिस तब भी थी आज भी हमेशा रहेगी लेकिन धंधा बंद नहीं होगा आगे भी रहेगी मुझे कुछ खास नहीं लगा ट्रेलर और एक फिल्म आई थी इमरान हाशमी की वाई चीट इंडिया उसमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठाए गए थे कुछ उसी से मिलता जुलता चीज़ दिखाया गया है इसमें भी कि एक माफिया एक गैंग होता है जो बच्चों को एग्ज़ाम दिलाता है मतलब कुछ ऐसे ही चीटिंग करवाता है और उससे पैसे कमाता है तो मुझे कुछ खास नहीं लगा आफ्ताब हैं इसमें जो पुलिस के रोल में दिख रहे हैं और शायद उस माफिया गैंग को पकड़ते हैं पावरफुल नहीं है मतलब इट्स नॉर्मल मुझे कुछ खास नहीं लगा ट्रेलर बहुत ही एवरेज दिख रहा है और आफ्ताब शिवदेसानी ने कमबैक किया है वापस और बहुत ही सीरियस रोल में है देखते हैं कैसा ट्रेलर से तो कुछ खास समझ नहीं आ रहा है कि मूवी कैसी रहेगी बट ठीक है श्रेयस तलपड़े जैसे अच्छे एक्टर्स हैं तो देखते हैं मूवी चलती है या नहीं सेटर्स आफ्ताब शिवदेसानी थोड़े टाइम बाद ही दिख रहे हैं साथ ही श्रेयस तलपड़े हैं कहानी कुछ नई नहीं है अभी हाल ही में वाई चीट इंडिया आई थी इमरान हाशमी की उसमें भी कुछ यही था चीटिंग माफिया जो है और इसमें भी वही मुझे लगता है वही हूबहू कॉपी है लेकिन वही थोड़ा स्टेट का चेंज हो गया लैंग्वेज चेंज हो गया विजयराज भी है विजयराज भी नज़र आ रहे हैं तो ऑन एन एवरेज इज़ अ वेरी एवरेज स्टोरी कोई बहुत कुछ नया नहीं है अब देखते हैं 3 मई को रिलीज़ हो रही है उसी दिन ब्लैंक भी रिलीज़ हो रही है तो कैसा रहता रिस्पॉन्स फिलहाल ट्रेलर इज़ वेरी एवरेज वेरी ओके क्योंकि स्टोरी लाइन आपको कोई बहुत नई निकल के नहीं आती क्योंकि ऐसे माफिया तो ऑफकोर्स हमें पता ही है चीटिंग माफिया रहते हैं तो एंड कुछ हद तक वही वाई चीट इंडिया का हमें वो वही फ्लेवर वही स्टोरी लाइन वही चीज़ें नज़र आ रही है तो इट्स एन ओके ट्रेलर नॉट वेरी गुड ट्रेलर है स्टेयर्स का आफ्ताब शिवदानी काफ़ी दिनों के बाद दिख रहे हैं फिल्म में तो अब मुझे उनका लुक भी बताऊं अच्छा लग रहा है पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में जो दिख रहे हैं ओवरऑल लग रहा है मुझे ये फिल्म चल जाएगी क्योंकि आजकल वेब सीरीज़ का ज़माना है मिर्ज़ापुर गई और कई ऐसे रंगबाज जो थे श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर कई ऐसे मतलब जो यूपी बेस्ड चीज़ें आई हैं वो हमारे लोगों को पसंद आ रही है और ये मूवी भी बनारस पर बेस्ड है पुलिस और वहाँ के जो दबंग टाइप के लोग होते हैं उनके ऊपर है तो मुझे लगता है ओवरऑल ये मूवी जितनी बजट में बनेगी उतनी बजट से ज़्यादा ये मूवी कमा लेगी और ट्रेलर मुझे इंटरेस्टिंग ही लग रहा है बहुत लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है और क्षेत्रीयता मतलब पूरे ट्रेलर में दिख रही है और लोगों को पसंद आएगा आई थिंक यंग जनरेशन इसको अप्रिशिएट करेगी पेंडेंट में बोलो कान से सुनो अब चश्मे का बाई ओर का बटन दबाइए इसे स्कैनर कहते हैं कितना चाहिए कौन सा चाहिए